जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका जरब क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। आज का ये जो वीडियो है ना, उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फर्स्ट पेपर के बारे में, जो सभी के सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन पेपर होता है। आप सभी को पता है जरब क्वालिफाई करने के लिए दोनों पेपर में बहुत अच्छा स्कोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जरब तब ही हो पाएगा जब आपके दोनों के दोनों पेपर में बहुत गजब का स्कोर होगा। अब जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जिसको हम 12th तक पढ़े हुए होते हैं, उसके बाद उसको हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, फिर उसको हम पीजी में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल सब्जेक्ट तो हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। दूसरा, उसके ऊपर हम बहुत अच्छे तरीके से स्पेशल फोकस रखते हैं, क्योंकि हम उसको ग्रेजुएशन में भी पढ़े हुए होते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल सब्जेक्ट तो हमारा बहुत गजब तरीके से तैयार रहता है। सब्जेक्ट को लेकर हमें बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं रहती, कॉन्फिडेंस रहता है कि यार सब्जेक्ट को तो और भी शानदार तरीके से तैयार कर लेंगे। लेकिन आपका जरब केवल सब्जेक्ट के बेस पर क्वालिफाई नहीं हो सकता। आपका जरब तब क्वालिफाई होगा जब आपका फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर होगा। आज हम इस फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा खुद का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है, और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 45+ क्वेश्चनों का स्कोर हो चुका है। यदि मैं दिसंबर 2023 वाले एग्जाम की बात करूं, तो इसमें हमारे बैच में टोटल 17 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो मैं अपने खुद के 3 बार जरब क्वालिफाई करने के एक्सपीरियंस, साथ ही साथ पिछले 4 साल से जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ, इन सभी के एक्सपीरियंस के बेस पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए किस तरीके से पढ़ाई करें, हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां जिनको बिल्कुल भी ना करें, जिनकी वजह से हमारा फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज मैं वो गलतियां भी बताने वाला हूं जो आप रिपीट करोगे तो आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा, और मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताने वाला हूं, यदि आप उनको फॉलो करोगे तो फर्स्ट पेपर में आप बहुत गजब का स्कोर करोगे, यहां तक कि आप फर्स्ट पेपर में 45+ क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हो। और ध्यान रखना, यदि आपने फर्स्ट पेपर में 45+ क्वेश्चन ठीक कर दिया ना, तो आपका जरब किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला, किसी भी कंडीशन में नहीं रुकने वाला, आपका बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब हो जाएगा। ठीक है, और ये 100% पॉसिबल है यदि आप सही ढंग से, सही तरीके से तैयारी करते हो ना, तो फर्स्ट पेपर में 45+ क्वेश्चन आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लगभग 15 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा। यदि आपके पास समय का अभाव है तो वीडियो की आप स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में, कि ये जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर होता है ना, ये किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की जो नॉर्मल, जो बेसिक जानकारी है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। देखो, आजकल जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर होता है, मॉडरेट टू टफ लेवल का होता है। पहले कैसा होता था, इजी टू मॉडरेट लेवल का होता था, जिसकी वजह से बच्चों के बहुत अच्छा स्कोर हो जाता था। लेकिन आजकल या तो टफ लेवल का आता है या फिर मॉडरेट टू टफ लेवल का आता है। और यदि कोई पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का आ रहा है या टफ लेवल का आ रहा है, तो इस स्थिति में उन्हीं कैंडिडेटों के बहुत अच्छा स्कोर हो पाता है जो फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फर्स्ट पेपर केवल सिलेबस से आ रहा है। भाई, पहले जो फर्स्ट पेपर था ना, वो 100% सिलेबस से आता था, लेकिन अब जो फर्स्ट पेपर है ना, इसमें लगभग 70% भाग है जो तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है, और लगभग 30% भाग होता है ना जो आउट ऑफ सिलेबस आता है। मतलब आजकल 50 क्वेश्चनों में से लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं।
हमें तो बहुत गजब का स्कोर करना है। बहुत गजब का स्कोर कब होगा? जब हम कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे, उन सभी टॉपिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं और जहां से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा भाई हमारे जो पेपर होता है इसमें लगभग 40% जो पेपर होता है वो ऐसा होता है जो अंडरस्टैंडिंग बेस का होता है, ठीक है। वहां पर आपको रटने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। यदि आप उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से समझ लिए तो आप इन 40% क्वेश्चनों को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। 30% जो पेपर होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है, मतलब वो याद करने पर आधारित है। यदि आपने सही ढंग से याद किया तो 30% पेपर को कर सकते हो। और बचा हुआ जो 30% पेपर होता है वो प्रैक्टिस बेस का होता है। उन क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि मैं क्वेश्चन की लेवल की बात करूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होती है, तो क्वेश्चन की बहुत टफ लैंग्वेज, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज का उपयोग करता है। उसकी वजह से हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि भाई क्वेश्चन क्या चाह रहे हैं, हमें ये नहीं पता चल पाता। और बहुत डिफिकल्ट कीवर्ड्स का उपयोग करता है। जब डिफिकल्ट कीवर्ड का उपयोग करेगा तो जाहिर सी बात है वैसे ही क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। तो ये थी पेपर की बेसिक जानकारी जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी का क्या रहने वाला है, आधार रहने वाला है, आपको एक डायरेक्शन देने वाला है कि अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि फर्स्ट पेपर में हमारा अच्छा स्कोर क्यों नहीं हो पाता, ठीक है। फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर क्यों नहीं हो पाता, तो इसके कुछ बेसिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो हमारी साइकोलॉजी ये रहती है यार फर्स्ट पेपर ही तो और मात्र 100 नंबर का ही तो है। हम सब्जेक्ट को बहुत गजब तरीके से पढ़ लेते हैं, फर्स्ट पेपर को तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर तो केवल यहीं पर काम आएगा, सब्जेक्ट तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगा बाद में, हमारे फिर उसके बाद स्कूल लेक्चर बनने का प्लान होगा तो उसमें भी काम आएगा। तो हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि यार हम अब भी तो सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं गजब तरीके से, जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा या जब 1-2 महीने बचेंगे ना तब हम फर्स्ट पेपर को पढ़ लेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम खुद फर्स्ट पेपर को इग्नोर करते हैं। दूसरा, हम फर्स्ट पेपर को इस तरीके से इग्नोर करते हैं, हमारी साइकोलॉजी ये थी फर्स्ट पेपर को तो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर फ्री में क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको देख लेंगे, ये एक सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। बाद में पढ़ लेंगे, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। हम किसी एक किताब को पढ़ लेंगे, जैसे KVS मदान को पढ़ लेंगे, दृष्टि को पढ़ लेंगे या अरिहंत को पढ़ लेंगे, इन तीनों में से किसी एक किताब को खरीद लेंगे और पढ़ लेंगे और फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा। भाई अब वो टाइम नहीं है कि आप किसी एक किताब को पढ़कर फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर सको, क्योंकि जैसे KVS मदान है, दृष्टि है, अरिहंत है, ये लोगों की रटी हुई है भाई, लोगों अंगुलियों पर रटी हुई है, क्योंकि आजकल जो पेपर का लेवल है वो टफ लेवल का हो गया, इसलिए इन किताबों से क्वेश्चन आते ही नहीं है आजकल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। भाई फर्स्ट पेपर में यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपके फर्स्ट पेपर की बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलर तैयारी करनी होगी। चाहे आप आज से शुरू कर दो, रेगुलर 2 घंटे देना शुरू कर दो कि बस मैं फर्स्ट पेपर को रेगुलर केवल 2 घंटे दूंगा, लेकिन आप आज से ही फर्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर दो यदि आप दिसंबर 2024 में JRF क्वालिफाई करना चाहते हो तो। अब हम पेपर के लेवल को समझते हैं कि भाई फर्स्ट पेपर में किस तरीके से तैयारी करें, हम फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा 90% प्लस का स्कोर हो जाए। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में 90% प्लस का स्कोर करना चाहते हो तो इन 4 पॉइंटों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आपको पेपर लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि फिलहाल का पेपर का लेवल क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, मतलब कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्टेंट बहुत बेहतरीन होना चाहिए ताकि वहाँ से क्वेश्चन बने, आप उसको पढ़ो और आपका स्कोर बढ़े। और चौथा है, आपकी बहुत गजब की रणनीति होनी चाहिए, आपकी एक बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन चारों के चारों टॉपिकों के ऊपर भी डिस्कस करने वाले, इन सभी के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। अब यदि आप दिसंबर 2024 में फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो, मतलब 90% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पर एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, हमें फर्स्ट पेपर में हर हाल में 90% प्लस का स्कोर करना है, मतलब 45+ क्वेश्चन ठीक करना है। अब हमने इस बैच का नाम गारंटी बैच क्यों रखा है, यहाँ पर हम गारंटी ले रहे हैं बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। यदि आप इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो कम से कम 90% पेपर आपको एज इट इज तरीके से इसी बैच के कंटेंट से देखने को मिलेगा, इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेपर चाहे किसी भी लेवल का आए, कम से कम जो 90% पेपर है ना वो हमारे इस बैच के कंटेंट से मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से आपकी
फीस रिटर्न करती जाएगी। अब इस गारंटी बैच में मैं इन सभी के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि गारंटी बैच में हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, किन किन बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान में रखने वाले हैं। यहाँ पर मैं जो 90% प्लस पेपर मिलने की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ ताकि आप उसको पढ़कर 45 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सको, इन सभी के बारे में मैं अब आपको डिटेल से बताने वाला हूँ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। और ध्यान रखना, यदि आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना ही करना पड़ेगा, और यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये जो गारंटी बैच है ना, आपका ये जो सपना है फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना, इसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझते हैं कि फिलहाल में फर्स्ट पेपर का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो यूजीसी ने 10 यूनिटों में सिलेबस को जारी कर रखा है, इसको हमने टोटल 3 सेशन में डिवाइड कर दिया, सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी। सेशन ए में हमने टोटली 3 यूनिटों को शामिल किया जिनका हमने नाम रख दिया प्रैक्टिस बेस, मतलब हमने सेशन ए में उन यूनिटों को शामिल किया जिनकी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, डीआई हो गया, आरसी हो गया। ये 3 ऐसी यूनिट है जिनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, आपका स्कोर उतना ही अच्छा होगा। ये जो यूनिट है ना, प्रैक्टिस सेशन वाला जो सेशन है, यहाँ पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल 100%। हमने जो सेशन बी है उसमें टोटली 4 यूनिटों को शामिल किया है, लॉजिकल रीजनिंग को, टीचिंग एप्टीट्यूड को, रिसर्च एप्टीट्यूड को, कम्युनिकेशन को। यहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इन क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, आपने हर एक कीवर्ड को समझा है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, तो ही आप यहाँ पर क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। यदि आपने अच्छे तरीके से टॉपिक को नहीं समझा है, टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया है, आपने प्रत्येक कीवर्ड का अर्थ नहीं समझा है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप चाहे कितना ही पढ़ लो, यहाँ से आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और सेशन सी में हमने शामिल किया 3 यूनिटों को, जिसमें एक एनवायरनमेंट है, दूसरा आईसीटी और तीसरा हायर एजुकेशन है। ये 3 वो यूनिट है जिन्हें हमें सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, इनको आप जितना ज़्यादा याद करोगे आपके उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे। तो हमने इस तरीके से टोटल 3 सेशन बना दिया, सेशन ए जिसको हमने प्रैक्टिस सेशन कहा है, सेशन बी जिसको हमने अंडरस्टैंडिंग सेशन कहा है, और सेशन सी जिसको हमने मेमोरी बेस्ड सेशन कहा है, जहाँ पर केवल याद करने वाले क्वेश्चन आते हैं। अब हम पेपर के लेवल की बात कर लें। देखो, फिलहाल में जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का है, इसलिए हमें बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे पेपर फिर किसी भी लेवल का है, ताकि हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो सके। बट डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग किया जाता है, आजकल सामान्यतः पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करने लग गया, तो हमें हर एक कीवर्ड का अर्थ पता होना चाहिए ताकि बिल्कुल आसानी से हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ सके, हमें पता चल सके कि क्वेश्चन चाहता क्या है, ताकि हम बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो बहुत टफ लेवल के आ रहे हैं आजकल, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले की तरह नहीं कि केवल एक किताब में से क्वेश्चन उठा उठा के बना दिया, भाई इस तरीके से पेपर नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि केवीएस मदान दृष्टि अर्यंत वाली जो किताब है वो स्टूडेंटों के अंगुलियों पर रटी हुई है। तो हमें यदि बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हमें एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी, और इस गारंटी बैच में हम इन सभी बातों का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। अब हम इस गारंटी बैच में किस रणनीति के साथ तैयारी करने वाले हैं, भाई सबसे पहले हम सेशन ए को कम्प्लीट करेंगे, जो प्रैक्टिस सेशन है ना, जिसमें रीजनिंग, मैथ, डीआई है, इसको हम सबसे पहले कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं, जो यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, ज़्यादातर का रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, और रीजनिंग, मैथ, डीआई एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं और जहाँ पर आप बिल्कुल 100% तरीके से स्कोर कर सकते हो, यदि आपने रीजनिंग, मैथ, डीआई की सही ढंग से प्रैक्टिस की है और सही ढंग से इसको समझा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सेशन ए की ये दोनों यूनिट रीजनिंग, मैथ और डीआई, इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, बहुत शानदार तरीके से तैयार करेंगे। ध्यान रखना, रीजनिंग और जो मैथ है ना, वो एक ही यूनिट है, ठीक है ना, सिलेबस में रीजनिंग और मैथ को एक ही यूनिट में शामिल किया गया, डीआई को एक अलग यूनिट में शामिल किया गया, इसलिए मैं रीजनिंग, मैथ, डीआई को दो यूनिटों में शामिल कर रहा हूँ।
जब हमारे रीजनिंग मैथ डीआई बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन आते हैं, इन चारों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। इनके हर एक टॉपिक को, हर एक कीवर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। जब हमारी सेशन बी की चारों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन सी की जो तीन यूनिट है ICT, EVS और हायर एजुकेशन, इनको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये जो यूनिट हैं तीनों की तीनों, ये करंट से भी जुड़ी हुई हैं, जो करंट के डाटा हैं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन तीनों की तीनों यूनिट को हम हर एक तरीके से कंप्लीट करेंगे, पुराने तरीके से भी तैयार करेंगे और जो करंट के डाटा हैं इनके साथ भी तैयार करेंगे, ताकि इन तीनों यूनिटों से किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने वो हमारा अच्छे तरीके से ठीक हो जाए। तो ओवरऑल प्यारे साथियों, हम सबसे पहले सेशन ए, उसके बाद सेशन बी और उसके बाद सेशन सी, इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका सबसे कमजोर पोर्शन है रीजनिंग मैथ डीआई का, जिसको लेकर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको हम यहाँ पर सबसे पहले कवर करेंगे। रीजनिंग मैथ डीआई को इतने शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे, फिर चाहे आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप 100% यहाँ पर बहुत गजब का स्कोर करोगे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको रीजनिंग मैथ डीआई के ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप एग्जाम होने तक लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप मात्र 5 से 10 सेकंड में प्रत्येक रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व कर सको, लगभग 40 से 60 सेकंड के बीच में आप मैथ के क्वेश्चन को सोल्व कर सको, और जो डीआई के 5 क्वेश्चन है इनको आप 5 से 6 मिनट में सोल्व कर सको, और वो भी 100% ठीक कर सको। ये हमारा सबसे मेन टारगेट है। अब मैं यहाँ पर कंटेंट की विशेषता के बारे में डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर हम जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं उसकी क्या खास बात है। भाई लोगों, हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है, इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्मों को काम लिया है, प्लेटफॉर्म के जो कंटेंट उसको काम लिया है। हमने KVS मैदान सर की किताब, अरियंत पब्लिकेशन की किताब, दृष्टि की किताब, ऑक्सफोर्ड की किताब, हमने ये चार किताबें ली हैं। इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स, ठीक है, हमारे सिलेबस के वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको हमने ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स से भी कवर किया है, उनको हमने इग्नू यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं उनसे भी कवर किया है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 से लेकर 2023 तक के, उन सभी को हमने इन नोट्सों में शामिल किया है। साथ ही साथ हमने अलग अलग टीचर्स जो फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाते हैं UGC नेट की, उनके हमने नोट्सों को खरीदा है, और इन सभी को मिलाकर हमने क्या किया है, फर्स्ट पेपर के बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार किए हैं। तो हमारे जो फर्स्ट पेपर के नोट्स हैं, इसमें KVS मदान सर की किताब, अरियंत की, दृष्टि की, ऑक्सफोर्ड की है, ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स है, इग्नू के नोट्स है, प्रीवियस ईयर पेपर है, और टीचर्स के नोट्स हैं, इन सभी को मिलाकर तैयार किए हुए नोट्स हैं ये। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट है ना, ये ओवरऑल बहुत सारे टीचर या बहुत सारे प्लेटफॉर्म के जो कॉन्टेंट है ना उसको मिलाकर तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, 100% यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये गारंटी के साथ है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। और यहाँ पर हमने ये जो कंटेंट तैयार किया ना वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पर हम 10 की 10 यूनिटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि किन्हीं दो यूनिटों के ऊपर तो हमने बहुत स्पेशल फोकस रख दिया और दो यूनिटों को हमने बिल्कुल ही एक तरीके से इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर 10 की 10 यूनिटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं, ताकि 10 की 10 यूनिटों के प्रत्येक क्वेश्चन को हम ठीक कर सके और कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सके। यहाँ पर बिल्कुल 100% कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे 10 की 10 यूनिटों का, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस में है 10 यूनिटों का उसको भी अच्छे तरीके से कवर करेंगे, और जो आउट ऑफ सिलेबस है, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उन टॉपिकों को भी हम बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, कीवर्ड और क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर हम यहाँ पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं, बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अपडेट कंटेंट के साथ पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, हम बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। बहुत एक्स्ट्रा का मतलब है, देखो फर्स्ट पेपर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तब भी अच्छा स्कोर होगा, नहीं। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पढ़ने से कभी भी अच्छा स्कोर नहीं होता। अच्छा स्कोर कब होता है, जब हम एक ऐसा सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट मिलने वाला है बिल्कुल 100% सिलेक्टेड कंटेंट मिलने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग मैथ डीआई और आरसी, इसके ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस है। रीजनिंग मैथ डीआई आरसी के टोटल 15 क्वेश्चन है, टारगेट ले रहे हैं कि 15 के 15 क्वेश्चन हमें ठीक करने हैं। ठीक है, रीजनिंग मैथ डीआई चाहे आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इतने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आप गारंटी के साथ यहाँ पर 10 के 10 क्वेश्चन ठीक करके आओगे।
बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर लाइव क्लासेस होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, मेरे खुद के। बैच लेने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24x7 आपके लिए अवेलेबल है ये नंबर। ठीक है, अब यदि हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों बिल्कुल नॉमिनल चार्ज, मतलब सबसे कम चार्ज में सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। वैसे जो चार्ज है वो 2000 रुपये, लेकिन अब भी ऑफर में केवल 1300 रुपये है, तो आपको मात्र 1300 रुपये में फर्स्ट पेपर का बहुत बेहतरीन कॉन्टेंट मिलने वाला है, जिसको पढ़कर आप बहुत आसानी से 45+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। यदि आप फर्स्ट पेपर का बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891935470, इसके थ्रू आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।